छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां पर अक्सर ब्लास्ट और मुठभेड़ की खबरें आती रहती हैं, लेकिन नक्सलगढ़ के नाम से जाने जाने वाले बस्तर की तस्वीर और तकदीर अब दोनों ही बदलती जा रही है। और इसका जीता जागता सबूत है दंतेवाड़ा के भांसी इलाके का मसापारा इलाका, जहां पर 2014-15 में जिस स्कूल को ब्लास्ट करके जिस नक्सली ने उड़ाया था, 2021 में उसी नक्सली ने आत्मसमर्पण करने के बाद उस स्कूल को नए तरीके से बनाया है। दंतेवाड़ा के मसापारा इलाके में ब्लास्ट किए गए स्कूल के बगल में ही एक नवीन स्कूल बनाया गया है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई दोबारा से शुरू हो गई है। ये जो इलाका है, ये दंतेवाड़ा का इलाका है। दंतेवाड़ा का ये भांसी इलाका है, भांसी ग्राम पंचायत है, इसे मसापारा कहते हैं। और ये मसापारा इलाका जो है, इसकी अपनी एक स्टोरी है, इसकी अपनी एक कहानी है, जिसको बताने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये पीछे का जो इलाका दिख रहा है आपको, ये जो है नंदी पहाड़ है, जहाँ से बादल निकलते हुए दिख रहे हैं, धुआं निकलते हुए दिख रहा है। और ये जो सामने हमारे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ये इस इलाके के तहसीलदार साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए, बहुत थैंक यू आपको। जी हाँ जी, बेसिकली क्या है कि नक्सली वारदात जब कभी भी होता है तो उसके बाद फिर है ना, वो एरिया थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। वही रीज़न है कि यहाँ पे मसापारा में 2014-15 के अराउंड एक ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट होने के बाद फिर एकमात्र स्कूल था जो यहाँ की आबादी के लिए यहाँ पे बनाया गया था, और वो स्कूल को ब्लास्ट किए। अब नक्सलियों का मोटिव यही रहता है कि अगर एजुकेशन ही ना हो किसी जगह पे, सड़क बिजली पानी के अलावा, तो लोग जागरूक नहीं होंगे, और जागरूक अगर होंगे ही नहीं तो फिर उनको बहकाना बहुत आसान होगा। तो इसीलिए उन्होंने टारगेट किया यहाँ के स्कूल को 2014-15 में। और अभी हाल फिलहाल में जो नक्सली यहाँ पे उस टाइम में आईडी लगा के ब्लास्ट किए थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया अभी के टाइम में 2021 में, और उन्होंने वापस से स्कूल के बाजू में, उस मलबे के बाजू में जो ब्लास्ट हुआ था, एक नया स्कूल खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोग्रेस का निशानी है कि पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है, वो टीना लगा हुआ है ब्लू कलर का, ये वही वाली स्कूल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी बात कर रहे हैं जी, ये वही स्कूल है, और इसको बनाया गया है आत्मसमर्पण नक्सली लोगों के द्वारा। दो लोग थे और दोनों ने इसमें पूरा योगदान अपना दिया है, और वो भी चाहते हैं कि इस एरिया के जो बच्चे हैं वो पढ़ें और एक एक्सपोजर मिले, और दुनिया को जाने कि वास्तविक दुनिया कैसी है, मेन स्ट्रीम लाइफ कैसी है करके। एक यहाँ पीछे में, मैं आपके जस्ट पीछे यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक ये बिल्डिंग, ये भी क्या है, ये वाली बिल्डिंग, जवान निकल रहे हैं, ये तो लोगों का ही है, लोगों का ही है। अच्छा, लोगों का घर है। हाँ। यहाँ पे कितनी आबादी होगी, कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ करीब करीब 70 हाउस होल्ड है, तो 70 के हिसाब से यहाँ होना चाहिए 210-250 के आसपास की आबादी होगी। 250 के आसपास आबादी यहाँ पे। तो जो पढ़ने लिखने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े हैं, युवा हैं, और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उसके बारे में एग्जैक्ट मैं आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जो बच्चे हैं वो 50 के आसपास हैं, और एक टाइम में, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो एक टाइम में 25-30 बच्चे बैठते हैं स्कूल में। मतलब ये ऐसा इलाका, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप ऐसा इलाका देखिए, यहाँ पर जो ये बाड़ लगे हुए, इसके पीछे घर है, तकरीबन यहाँ पे 60-70 घर होंगे, और 250 के आसपास लोग हैं यहाँ पर। उनमें से इसके पहले जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, उसका भले आंकड़ा अभी तुरंत में मौजूद ना हो, लेकिन जो वर्तमान समय में है, तो वर्तमान समय 50 के आसपास जो बच्चे हैं तो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जो स्कूल आपको सामने दिख रही है। और ये वो स्कूल है जिस स्कूल को अभी नक्सलियों, आत्मसमर्पित नक्सलियों के द्वारा बनवाया गया है, और उसके बाजू में जहाँ पर ये जवान खड़े हैं सामने आपके, मैं दिखाना चाहूँगा, इन जवानों के जस्ट पीछे एक मलबा है, और उसके जस्ट पहले आपको चार पाए दिख रहे होंगे, वो जो है तो नई टंकी बन रही है, और वो उसके जस्ट बाजू में मलबा है, उसी मलबे के बारे में बता रहे हैं कि 2014-15 के आसपास जो है तो उसको ब्लास्ट किया गया था। बड़े शहरों में जैसे ये चीज़ें जाती हैं कि जो आदिवासी हैं दंतेवाड़ा के, बस्तर के, वो जो है तो नहीं चाहते, कई बार जगहों से जगह आती है, जैसे अभी सिलीगुड़ी वाला मामला वहाँ पे आया ना, क्या सिलगेर वाला मामला आया, तो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, उनसे आप लोग की कितनी कनेक्टिविटी? अभी बेसिकली क्या रहता है कि पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ना, जो वर्क प्रोसीजर है, पहले ऐसा था कि जो ब्रिटिश काल में कि डरा धमका के किया जाता था, बट अभी क्या है, प्रिवेंटिव मेजर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और लोकल क्या है कि लोकल के साथ इन्वॉल्व होते ही हैं। अभी बटालियन में भी ऐसे लोगों को, जैसे कि स्टेट फोर्स भी रहती हैं, फिर DRG है, तो ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि यहाँ की स्थानीय भाषा जाने। तो उससे क्या होता है कि जैसे कोई गांव में जाते भी है, गश्त लगाते भी हैं, तो एक कनेक्टिविटी मिल जाती है लोगों से, अगर आप भाषा का सही उपयोग करेंगे तो। और यहाँ पे तो कभी
कोई ऐसा कैजुअलिटी नहीं हुआ है कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो या फिर लोग अंदर एरिया में, मतलब इस एरिया में खासकर, कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और पुलिस भी जहाँ जहाँ जाती है उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। और इतना भी है कि दूसरी चीज़ ये भी है एक एक्सपेक्ट कि जो बेसिक प्रॉब्लम है दंतेवाड़ा का या छत्तीसगढ़ को लेके, कि लोगों का भरोसा एडमिनिस्ट्रेशन पे उतना नहीं है। उसका रीज़न कनेक्टिविटी है, और दूसरा कि एक छवि बन जाती है। मतलब ज़्यादातर लोग क्या है कि पुलिस को देख के डरते हैं पहले, बाद में ये सोचते हैं कि हाँ भाई जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, वो समाधान करें करके।